वेलकम टू आवर चैनल्स डिजिटल पावर। आप लोगों को पता होगा या नहीं भी पता होगा, सीतामढ़ी में एक लंबे अरसे के बाद एक बहुत अच्छी जॉब आई है, जैसे डाटा एंट्री ऑपरेटर, नर्सिंग से, डॉक्टर्स से, इन सभी का एक टीम बनाया गया है कोविड-19 के लिए, उसके रिगार्डिंग वैकेंसी आई है। लेकिन ये काफ़ी शॉर्ट टर्म है, मात्र 2 महीने का ही है। अगर आप इंटरेस्टेड है हो तो इसमें ज़रूर भरें, क्योंकि इससे आपको एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ही मिलेगा जो भविष्य में हो सके आपको काम आवे। और वैसे भी अभी लॉकडाउन में घर बैठे क्या करना, या फिर जो बेरोज़गार है उनके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकता है। तो चलिए देखते हैं इस वैकेंसी के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और कहाँ अप्लाई होगा और उसके लिए क्या क्या करना होगा, वो सारी डिटेल्स मैं आपको इसमें बता रहा हूँ। और साथ ही इस जॉब के लिए, जैसे डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए क्या क्या करना होगा, कैसे टेस्ट होगा, है ना, वहाँ किस तरह का माहौल होगा, उसके बारे में भी मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। और हमारे जो स्टूडेंट जो मदरसा रहमानिया से पास आउट हो चुके हैं कैम डी टी पी सेंटर से, जो NCPL द्वारा संचालित होती है, वो सभी स्टूडेंट्स से मेरा आग्रह है कि आप लोग ज़रूर इस वैकेंसी को भरें। चलिए देखते हैं इस वीडियो में क्या क्या है। तो सबसे पहले नोटिफिकेशन मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। ये वैकेंसी स्टेट से ना होकर के डिस्ट्रिक्ट को दे दिया गया है। कार्यालय असैनिक शल चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी सीतामढ़ी, मर्यादा पथ जिला स्वास्थ्य समिति सीतामढ़ी के प्रथम तल डुमरा। इस वैकेंसी में बहुत सारे सीट्स हैं हर डिपार्टमेंट के। तो सबसे पहले शुरू करेंगे इसके बारे में। इसमें लिखा हुआ है अल्पकालीन हायर बेसिस पर कार्य हेतु विज्ञापन सूचना, यानी काफ़ी शॉर्ट टर्म के लिए वैकेंसी है। आई थिंक ये शायद 2 महीने का है। इसमें लिखा हुआ है जिला अंतर्गत वैश्विक महामारी कोविड-19 के संक्रमण एवं बाद महामारी नियंत्रणार्थ स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना के पत्रांक 329-11 दिनांक 27/4/2021, पत्रांक 345-11 दिनांक 5 मई 2021, ज्ञापांक 415-17 दिनांक 9 मई 2021 एवं पत्रांक 5426 दिनांक 9 मई 2021 के आलोक में आवश्यकता अनुसार अगले 2 माह के लिए, चिकित्सक यहाँ पर क्लियर कर रहा कि 2 माह के लिए यानी 2 महीने के लिए चिकित्सक GNM, ANM, प्रयोगशाला प्रोवैदिक जो MLT किए होंगे प्लस टू में या प्लस टू के बाद, वो भी यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर, इसी के बाद मैं कह रहा था कि जो भी हमारे स्टूडेंट या जो भी भाई या सिस्टर्स, अगर अब वो प्लस टू के बाद कोई भी कंप्यूटर कोर्स कर चुके हैं 6 महीना या साल भर का, और कोई ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो इस जॉब को ज़रूर भरे, ट्राई करके देखें। वार्ड बॉय को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत स्वीकृत दर पर सेवा लेने हेतु निर्देशित किया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि स्वीकृत दर पर सेवा, यानी डेली बेस या जो एक तय किया गया हुआ है वो फिक्स है, उतना ही मिलेगा। अतः उक्त के आलोक में आगामी 2 माह अथवा राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार पटना से अगले आदेश प्राप्त होने तक जो भी पहले हो तक की अवधि के लिए निम्नांकित पद पर सुयोग्य अभ्यर्थियों के हायर हेतु दिनांक 31 मई 2021 से 8 जून 2021 के बीच वॉक इन इंटरव्यू
कार्यालय अवधि में जिला निबंधन सह परामर्श केंद्र DRCC शांति नगर डुमरा सीतामढ़ी में निर्धारित की जाती है। 31 से 8 दिन तक इसका टाइम है और बाकी इंटरव्यू सिर्फ इंटरव्यू बेसिस पर है ये। और आप सभी जानते हैं कि DRCC जो KYP कोर्सेज वगैरह और भी बहुत सारे सर्विसेज देती है जो डुमरा के ITI के जस्ट बिहाइंड में है, आपको वहाँ जाना पड़ेगा। और इसमें अभी तक ऐसा क्लियर नहीं है कि फॉर्म भरना है या फॉर्म लेके जाना है एट ए टाइम, तो आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले पदनाम या पोस्ट के हिसाब से पहले इसको देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर पहला है शिशु रोग विशेषज्ञ, ये तो MBBS या MD जो किए होंगे डॉक्टर्स उनके लिए हैं। जो MD किए होंगे उनको 7000 पर डे मिलेगा, पर शिफ्ट। अगर वो दो शिफ्ट करेंगे तो दो मिलने का चांसेस है इनको। और जो DCH कोर्स किए होंगे उनको 5000 मिलेगा। और इनका जो वॉकिंग इंटरव्यू है वो 31 मई को रखा गया, डैट मीन्स आज ही 31 मई है, आज इनका हो गया होगा। दूसरा है निश्चेतना विशेषज्ञ, तो ये भी डॉक्टर्स जो MBBS MD किए होंगे उन्हीं के लिए है, इनको भी 7000 पर डे पर शिफ्ट मिलेगा। और जो DCH डिप्लोमा किए होंगे वो 5000 मिलेगा, इनका भी आज ही 31 मई को 10 बजे से होना था। और तीसरा पोस्ट है नेत्र रोग विशेषज्ञ का, एक ही वैकेंसी है, PG डिप्लोमा, और इनको भी 7000, यानी डॉक्टर्स के समकक्ष जो भी होंगे उनको 7000 पर शिफ्ट मिलेगा। दूसरा है ENT डॉक्टर, कान नाक एवं गला रोग, इनकी भी वैकेंसी एक ही है और मास्टर MS होना चाहिए ENT में, इनको भी 7000, इनका भी आज, यानी कुल मिला के जो डॉक्टर्स के लेवल का जो पोस्ट है, चाहे वो औषधि विशेषज्ञ हो या फिर चिकित्सक हो, उन सभी का आज 31 मई को 10 बजे से था इंटरव्यू, जब तक चले। कोई ज़्यादा वैकेंसी है नहीं इनका, सबसे ज़्यादा एनेस्थेसिया के डॉक्टर्स का है 10 पोस्ट, और चाइल्ड डॉक्टर्स के, चाइल्ड स्पेशलिस्ट के डॉक्टर्स का 18 वैकेंसी है। आने वाले दिनों में तो थर्ड जो वेव है वो तो बच्चों के लिए ही घातक है, इसके लिए के वैकेंसी आई है, टीम है। और दूसरा जो पोस्ट है डॉक्टर्स के बाद वो है GNM का, GNM, यहाँ पे JNM कर दिया है, बाई मिस्टेक टाइपिंग हो गया ऑपरेटर से। तो जो भी मतलब मेल या फीमेल GNM कोर्स किए होंगे तो उनको मिलेगा 1500 पर शिफ्ट, प्रति शिफ्ट, दो शिफ्ट करेंगे तो डबल मिलेगा आई थिंक। और GNM कोर्स फ्रॉम नर्सिंग स्कूल BNM, अच्छा इसमें दो तरह का है, जो GNM कोर्स फ्रॉम इंडियन नर्सिंग काउंसिल से किए होंगे और रजिस्टर्ड भी होंगे कैपिटल BNRC काउंसिल में, तो उनको जो है 1500 मिलेगा। और जो JNM कोर्स फ्रॉम नर्सिंग स्कूल ऑफ BNRC से किए काउंसिल से किए होंगे उसका 12000 नहीं, ये तो मिस्टेक है, आई थिंक ऑपरेटर से मिस्टेक हुआ है, ये 1200 होगा, जब ये 1500 है तो ये 1200 होगा, ये टाइपिंग मिस्टेक है उसका। इनका इंटरव्यू 4 जून को 10 बजे से ही रखा गया है, जब तक लाइन रहेगा तब तक इंटरव्यू चलेगा। और लास्ट टाइम इसमें नहीं मेंशन किया गया हुआ है, आई थिंक जब हैंड टू हैंड फॉर्म लेकर इंटरव्यू लेगा तो जाहिर सी बात है शाम तो हो ही जाना है। दूसरी अगला वैकेंसी है ANM का, इसमें टोटल 142 पोस्ट है सभी कैटेगरीज को मिला करके, तो इनको मिलेगा 1000 पर शिफ्ट और इनका इंटरव्यू रखा गया है 7 जून को। उसके बाद
अगला वैकेंसी है जो प्लस टू में एमएलटी किए होंगे या फिर आफ्टर प्लस टू डीएमएलटी और इसी तरह का समकक्ष कोई कोर्स किए होंगे, यहाँ पर है भी इंटरमीडिएट एमएलटी डीएमएलटी वोकेशनल एमएलटी। वोकेशनल मतलब जो इंटरमीडिएट करते हैं तो उसमें एक वोकेशनल कोर्स भी चलता है, जैसे आर्ट्स कॉमर्स साइंस वाले जो स्टूडेंट होते हैं साथ ही साथ उसमें एक वोकेशनल कोर्स भी चलता है जिसमें एमएलटी होते हैं और रेडियो एंड टीवी होते हैं, दो तरह का कोर्सेज है उसमें अवेलेबल। तो जो एमएलटी वोकेशनल से किए हैं वो भी इसमें एलिजिबल हैं और इनको भी 12,000 रुपये प्रति माह फिक्स है इनको रखा गया हुआ है, यानी 12,000 रुपया पे इनको फिक्स कर दिया गया है। और इनका जो इंटरव्यू डेट रखा गया है वो है 2 जून 10 बजे से जब तक हो जाए, लेकिन टोटल पोस्ट 40 ही है सभी कैटेगरीज को मिलाकर। अच्छा, काफ़ी लंबे समय बाद ये वैकेंसी आई। अगला है वार्ड बॉय, वार्ड बॉय हेल्थ वर्कर के रूप में होंगे इनका पोस्ट और इनकी जो संख्या है कुल मिलाकर सभी कैटेगरीज में वो 30 है और इनका जो मतलब पेमेंट होगा वो 270 रुपया प्रतिदिन, प्रतिदिन प्रति शिफ्ट पर डे पर शिफ्ट मिलेगा इनको और इनका इंटरव्यू रखा गया है 8 जून को 10 बजे से और इसका कोई क्वालिफिकेशन तय नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि कम से कम मैट्रिक तो होगा ही या 8th क्लास। वार्ड बॉय का मतलब साफ़ सफाई वगैरह से रिलेटेड है। अगला है डाटा एंट्री ऑपरेटर, जो इसका क्वालिफिकेशन रखा गया है इंटरमीडिएट कोर्स एंड एनी अदर हायर क्वालिफिकेशन, कैंडिडेट मस्ट हैव देयर ऑन लैपटॉप टाइपिंग स्पीड हिंदी इन हिंदी 20 वर्ड पर मिनट एंड इंग्लिश 30 वर्ड पर मिनट। ठीक है, इनका भी ऑनऑडियम 12,500 प्रति माह फिक्स कर दिया गया है, यानी पर डे नहीं है इनका 12,500 रुपये पर डे। और इनका वैकेंसी देखिएगा सबका तो अलग अलग डेट में, इनका भी अलग है 5 जून 2021 को रखा गया है 10 बजे से, तो इसका ख्याल रखिएगा। और इसकी संख्या है टोटल 100 वैकेंसी है सभी कैटेगरीज को मिला करके, काफ़ी अच्छी संख्या है, काश थोड़ा और होता तो ज़्यादा अच्छा होता। चलिए कुछ रूल्स है इस वैकेंसी के वो बता देता हूँ जल्दी से आपको। पहला कह रहा है वॉक इन इंटरव्यू में भाग लेने हेतु अभ्यर्थी को आवेदन पत्र के साथ सभी वांछित प्रमाण पत्र के साथ यथा शैक्षणिक प्रमाण पत्र डैट मीन्स मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन बीटेक एमटेक जो भी हो, हालांकि बीटेक एमटेक डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए कंपलसरी नहीं है, कोई भी 6 मंथ्स का कोई भी डिप्लोमा कोर्स हो तो वो एलिजिबल है। इसमें तो मेन आपका टाइपिंग स्पीड ही चेक करेगा, जैसे हिंदी में कुर्ती टेप वगैरह उसको चेक करेगा और इंग्लिश में इंग्लिश कोई भी फॉन्ट पे चेक कर लेगा आपको। उसका एक सॉफ्टवेयर होगा उसमें बस आपके टाइपिंग का स्पीड और इम्प्रेशन चेक करेगा कि आप पर सेकेंड कितना की दिवा सकते हैं, है ना, उसकी के हिसाब से आपका स्पीड निकाल लिया जाएगा। अब तक जो हुआ है उसी उसके एक्सपीरियंस के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। तो खैर, यहाँ पर शैक्षणिक प्रमाण पत्र के अलावा अंक प्रमाण पत्र, मार्कशीट, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र एवं अन्य सभी वांछित प्रमाण पत्र की स्व अभिप्रमाणित छायाप्रति एवं 2 पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ संलग्न करना अनिवार्य होगा, यानी फोन पे जो फोटो होगा उसके अलावा 2 लगा दीजिएगा पिक्चर। और आवेदन में भरी गई सूचनाओं को मूल प्रमाण पत्र अंक प्रमाण पत्र से मिलान करने के क्रम में किसी प्रकार त्रुटि पाए जाने पर संबंधित अभ्यर्थी की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी, यानी उसमें जब इंटरव्यू होगा तो जो एक फोटोकॉपी दीजिएगा तो उसमें मिलान किया जाएगा आपके ओरिजिनल से, यानी आपको ओरिजिनल भी लेके जाना होगा उस रोज, कुछ गलत पाया जाएगा तो आपका अभ्यर्थी
या उम्मीदवारी समाप्त कर दी जाएगी। चिकित्सकों के चयन के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं अधिकतम आयु 55 वर्ष सभी कोटि के लिए होगी। अन्य पद हेतु जैसे जनरल ईडब्ल्यूएस वाले होंगे तो उनका मैक्सिमम जो एज होगा 37 वर्ष होगा, और अगर फीमेल कैंडिडेट है तो 40 वर्ष होगा ईडब्ल्यूएस में, और बीसी ईडब्ल्यूएस मेल एंड फीमेल कॉमन के लिए 40 वर्ष होगा। एससी एसटी है तो 42 वर्ष तक वो अप्लाई कर पाएंगे। उपर्युक्त पदों पर कार्य हेतु हायर की प्रक्रिया पूर्णतः अस्थायी है तथा किसी स्वीकृत के विरुद्ध नहीं है। साथ ही हायर बेसिस पर कार्य करने की स्थिति में उक्त पद पर नियोजन नियुक्ति हेतु किया गया दावा मान नहीं होगा। सरकार अपने इन फ्यूचर्स के लिए साफ लिख दिए कि मतलब ये टेम्प्रोरी होगा, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस होगा, परमानेंट का दावा आप भविष्य में नहीं कर पाएंगे। हायर बेसिस पर चयनित अभ्यर्थी को कोरोना कोविड-19 से संबंधित कार्य करना अनिवार्य होगा। जो भी है कोविड-19 का जो भी गाइडलाइंस दिया जाएगा हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से वो कार्य आपको करना होगा। ऐसे अभ्यर्थी जिनके विरुद्ध आपराधिक मामला चल रहा है वो चयन हेतु पात्र नहीं समझे जाएंगे। किसी प्रकार का TA/DA अनुमान नहीं होगा, यानी जो आपके सैलरी है उसी सैलरी में आपको काम करना है। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र पर पद का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल अंकित करना अनिवार्य होगा। यानी उस फॉर्म जो भरिएगा, जो फॉर्म अभी मैं आपको दिखाऊंगा, उस पे आपको ईमेल आईडी वगैरह, मोबाइल नंबर, ये सब देना कंपलसरी है। सिविल सर्जन सीतामढ़ी के पास उक्त पद की संख्या या विज्ञापन को रद्द करने या उक्त सभी पद को बिना किसी सूचना के समाप्त परिवर्तित करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा। दो या दो से अधिक अभ्यर्थी का मेरिट लिस्ट का अंक एक समान होने की स्थिति में उनकी वरीयता सूची संबंधित अभ्यर्थी के जन्मतिथि से निर्धारित किया जाएगा। विस्तृत जानकारी के लिए इनके वेबसाइट्स को आप विजिट कर सकते हैं, और ये सभी वैकेंसी जिला पदाधिकारी सीतामढ़ी के अंतर्गत होगा, यानी उनके देख रेख में होंगे। ठीक है, तो इस वैकेंसी में लगभग मैंने आपको टोटल बता दिया क्या क्या करना है ना। वॉक इन इंटरव्यू, यानी जिस दिन इंटरव्यू है उसी दिन आपको जाना है, लाइन लगना होगा, और अपने अपने लाइन के हिसाब से जब आपकी पारी आएगी तो आपका डॉक्यूमेंट्स चेक किया जाएगा, आवेदन लिया जाएगा, वेरीफाई किया जाएगा, और उसके बाद सिलेक्शन करने के बाद मेरिट लिस्ट निकालेंगे, उसमें हो सके नाम आवेगा। और जो डाटा एंट्री ऑपरेटर है, जो कंप्यूटर वाले हैं, तो मे भी हो सके इनका टेस्ट भी हो कंप्यूटर पे। जैसे यहाँ पे जब लिख रहा है कि हिंदी में 20 वर्ड्स होना चाहिए, और 20 वर्ड्स होना चाहिए और इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, तो मे बी चांसेस है कि इनका टाइपिंग टेस्ट अटेंड हो। अगर ऐसे कुछ ऐसे स्थिति में अगर भीड़ ज़्यादा होगा तो मे बी कम चांसेस है, लेकिन कंप्यूटर वाले का टेस्ट होना तय है। अब चलेंगे फॉर्म की तरफ। फॉर्म कैसे भरना है उसके बारे में डिटेल्स में आप लोगों को पता आपको फटाफट बता देता हूँ। ओके, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि जो नोटिफिकेशन आया हुआ है उसके अकॉर्डिंग एक फॉर्म है, उस फॉर्म को प्रिंट करके और अपने हैंड रिटन में भरना है। चूँकि सदर हॉस्पिटल सीतामढ़ी के CS ऑफिस में दीवार पर चस्पा था ये फॉर्म्स, तो उसका फ़ोटो लेने के बाद उसका प्रिंट अच्छा सा नहीं निकल रहा था, तो मैंने उसे MS वर्ड में बना ही दिया फिर से फ्रेश, जो यहाँ पर है। अगर किसी को लिंक चाहिए तो मैं अपने वीडियोस में डाल दूँगा, ठीक है, आप वहाँ से
डाउनलोड कर लेना। तो यहाँ पर देखिएगा, मैंने इस फॉर्म को टाइप ही कर दिया है फ्रेश। बिल्कुल फ्रेश टाइप कर दिया है। आप इसको सिर्फ प्रिंट निकाल लेना और इसके बाद जो भी इसमें इंफॉर्मेशन है वो सारे फिलअप करके अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को सेल्फ अटेस्टेड करने के बाद, और एक पिक्चर यहाँ चिपका देना है और दो पिक्चर एक्स्ट्रा टैग कर देना है, और एक अच्छे से फाइल में रख करके लेके जाइएगा। सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या भरना है आपको। जैसे लिखा हुआ है फर्स्ट में, पॉइंट नंबर फर्स्ट में आवेदित पद का नाम, तो आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करने जा रहे हो तो उसका पोस्ट डाल देना। जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया था नोटिफिकेशन में, यहाँ पर पोस्ट है शिशु रोग विशेषज्ञ, निश्चेतना विशेषज्ञ, नेत्र रोग विशेषज्ञ, ENT औषधि विशेषज्ञ, चिकित्सक, GNM, ANM एंड डाटा एंट्री ऑपरेटर, सॉरी एक और है प्रयोगशाला प्रोवैदिकी, है ना। तो जिनका जिस चीज़ के लिए फॉर्म भरने जा रहे हैं वो यहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा। और आप इस फॉर्म्स को इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिख सकते हैं, आपको जिसमें सुटेबल लगे उसमें फिलअप कर दीजिएगा। दूसरा है आवेदक का नाम, आप अपना नाम यहाँ पर लिख लीजिएगा। तीसरा है पिता पति का नाम, ठीक है, अपने पिता, या फिर अगर आप महिला हैं और आप शादीशुदा हैं तो पति का नाम लिख लीजिएगा। चौथा पॉइंट में है अस्थाई पता, पूरा एड्रेस आपको लिखना है, है ना, जहाँ का आपका घर है। पांचवा है आपका जन्म तिथि, जो अकॉर्डिंग टू मैट्रिक के सर्टिफिकेट पर होगा वो ही भरिएगा। यहाँ आप अपना करेंट ईमेल आईडी जो हमेशा यूज करते हैं, क्योंकि आपका जो भी इंफॉर्मेशन होगा वो मेल के जरिए ही भेजा जाएगा, और तो इसके लिए अच्छे आपका जो करेंट में ईमेल आईडी होगा वो दे दीजिएगा। मोबाइल नंबर देना है जो व्हाट्सएप से जुड़ा हो, जो मोबाइल नंबर दीजिएगा उस पर व्हाट्सएप होना चाहिए, वो नंबर दीजिएगा। और अगला आठवां पॉइंट में है शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र का विवरण, तो इसमें सिंपल है क्रम संख्या एक में मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, PG, या अगर आप BTEC वगैरह हैं तो वो, और डिप्लोमा कोई कोर्सेज वगैरह किए हैं तो वो डिप्लोमा, और जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे पॉइंट नंबर वन में आप एक लिख देना और इसमें लिख देना मैट्रिक, है ना, मैट्रिक का किस बोर्ड से मान्यता प्राप्त है, बिहार मदरसा बोर्ड से है, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड है, बिहार संस्कृत मध्यमा बोर्ड है, या CBSE बोर्ड है, आपका जो भी हो उसका नाम लिख दीजिएगा। इंटर में भी वही हो जाएगा, और ग्रेजुएशन में जो भी यूनिवर्सिटी हो उस यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है, जैसे बिहार यूनिवर्सिटी है या फिर ललित नारायण मिथिला, या फिर और भी जो अलग डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग होंगे तो वो यहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा। तीसरा कॉलम में, चौथा कॉलम में है उत्तीर्णता का वर्ष, यानी आपने मैट्रिक कब पास किया वो वर्ष लिखना है। कुल प्राप्तांक, आपने कितना प्राप्त किया नंबर्स, जैसे 500 में फुल मार्क्स 500 है तो आपने कितना लाया, 200, 250, 300, 400, वो लिखना है। यानी जो फुल मार्क्स होगा उसको छोड़ करके आपने क्या ऑब्टेन किया, आपने क्या प्राप्त किया नंबर, वो नंबर यहाँ पर डालना है। और यहाँ पे प्रतिशत निकाल देना है, ठीक है, यानी सपोज डैट मान के चलिए कि आपका मैट्रिक में फुल मार्क्स है 500 का और आपने लाया 300, तो 500 में 300 का परसेंटेज यहाँ पर निकाल करके डाल दीजिएगा, जो परसेंटेज आएगा। उसके बाद इंटर, ग्रेजुएशन, इसी तरीके से आप इसको फिलअप कर लीजिएगा।
अगला है एक्सपीरियंस। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रखा है आपने, तो आप यहाँ पर उस ऑर्गेनाइजेशन का मेंशन कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें हालांकि इसमें इस एक्सपीरियंस को भी टेबल में बना देना चाहिए, लेकिन जो फॉर्मेट जिला से दिया गया उसमें छेड़छाड़ करना ठीक नहीं समझा मैंने, इसलिए मैंने इसमें कुछ नहीं किया, जो था वैसे ही लिख दिया। तो आप इसमें एक्सपीरियंस मेंशन कर सकते हैं कि आपने किस ऑर्गेनाइजेशन में काम किया, कब से कब काम किया है ना, और उसमें आपका वर्क प्रोफाइल क्या था, किस तरह का पोस्ट था, यह सभी चीज़ दो लाइन में यहाँ पर हटा दीजिएगा स्पीच में। अब आती है बात अगला पॉइंट नंबर 3 की, इसमें कह रहा है कि आपका आरक्षण कोटी क्या है, जैसे जनरल, EWS, OBC, EBC, SC ST जो भी हो आप यहाँ मेंशन कर देना। लेकिन ध्यान रहे कि अगर आप इसमें मेंशन कर रहे हैं तो इसका सर्टिफिकेट भी आपको लगाना पड़ेगा। और उसके बाद डिक्लेरेशन है, आप अपना इसमें नाम लिख दीजिएगा, ठीक है, इसके ऊपर सिग्नेचर कर दीजिएगा और यहाँ पे पूरा पता लिख दीजिएगा, यहाँ पे डेट लिख दीजिएगा, बस इतना ही भरना है। और इसके साथ सारे डॉक्यूमेंट्स को सेल्फ अटेस्टेड करके फोटोकॉपी, यहाँ एक फ़ोटो चिपका दीजिएगा है ना, दो फोटो अटैच कर दीजिएगा इसके साथ, और इस सब को एक अच्छे से फाइल में रख करके तब जाइएगा DRCC डुमरा शांति नगर ITI के जस्ट पीछे वाले गली में, या जस्ट बगल से ही एक गली जाती है, वहाँ चले जाइएगा। टाइम 10 बजे से है तो जाहिर सी बात है बहुत सारा भीड़ होगा, तो कोशिश कीजिएगा अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी जितना सवेरे हो सके आप पहुँच जाइएगा। और सीतामढ़ी ज़िले के जितने लोग, जितने मेरे स्टूडेंट रह चुके हैं, अगर उनकी बहाली होती है तो हमें काफ़ी खुशी होगी। और किसी भी तरह के हेल्प चाहिए तो मेरे नंबर पे, जो मैं वीडियो में भी मेंशन कर देता हूँ, आप हमसे कॉल कर लेंगे। बेसिकली टेक्निकली कोई इसमें इंफॉर्मेशन चाहिए तो जहाँ तक होगा मैं हेल्प कर दूँगा, ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, थैंक यू।